रहने दो, रहने दो। चालू कर दो पेन ड्राइव, ला दो पेन ड्राइव। कहाँ है ले? ये नहीं है रूट स्टॉक का यार, रूट स्टॉक। अठारह नंबर रूट स्टॉक वो नहीं। हाँ ये होगा इसको। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। नमस्कार सबको, नमस्कार नमस्कार। तैयार हो? थोड़ा थोड़ा लिख भी लेना है। अच्छा टॉपिक है, क्या नाम है? रूट स्टॉक। आजकल खूब क्वेश्चन आते हैं इससे, किसी भी एग्जाम दोगे तो इससे प्रश्न आता है। कॉपी ले आए बेटा आप? दो कॉपी। फिर दोस्त आज वो आया नहीं, क्या नाम है? ब्रजेश, स्कूल वाले आया नहीं। चले तो आज हम बात करेंगे, इसका नाम क्या है बताओ? रूट स्टॉक। क्या है? रूट स्टॉक। ध्यान से आप समझना कि इसका, थोड़ा और इधर खिसक जा तो, एक और इधर आ जा। हाँ क्या नाम है बताओ? रूट स्टॉक। सबसे पहले समझते हैं इसका, नोट्स भी बनाते चलेंगे और आराम से समझते हुए चलेंगे कि क्या है इस पॉइंट में। सब कॉपी ओपी निकाल लें आप। फटाफट आओ। चले हिंदी में कहते हैं रूट स्टॉक को मूल ब्रंथ। पहले आप पॉइंट आप समझे, क्या बोलते हैं इसको? मूल ब्रंथ। तो हेडिंग क्या डालोगे? रूट स्टॉक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मूल ब्रंथ। अब नाम से पता लग रहा है, मूल का मतलब क्या आता है बताओ? मूल का मतलब क्या समझते हो? जड़। मूल का मतलब क्या है? जड़। अब ये पॉइंट को आप देख लें, अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा अपना रूट स्टॉक। रूट स्टॉक इसे हम क्या बोलते हैं? मूल ग्रंथ। मूल ग्रंथ ये कहां उपयोग होंगे गुरुजी? तो ये होगा ग्राफ्टिंग में, बडिंग में, वहां पे हम इसका उपयोग करते हैं। नाम उम सुना है? ग्राफ्टिंग, बडिंग। नहीं नाम सुना? पहले एक इमेज दिखा देता हूं, एक आप इमेज देखो तब ज्यादा अच्छा आप समझोगे इस पॉइंट को। ये सिट्रस का मैं एक इमेज दिखा रहा हूं। जैसे आपको दो प्लांट के बीच ग्राफ्टिंग करना है, दो प्लांट के बीच क्या करना है? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग नाम सुना है? दो प्लांट को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं? अपने दिमाग में क्या आता है बताओ? जब मैं जोड़ने की चर्चा किया कि दो प्लांट को देखो आप, समझो इस प्लांट को मैं बोलूं कि जोड़ना है बेटा, एक प्लांट ऐसा है इसको हमें जोड़ना है। देखो एक प्लांट ये है और दूसरा प्लांट मैं बना लेता हूं आपके लिए यहां पे, दूसरा प्लांट ये बना लेता हूं इस टाइप के सफेद से। ये इन दोनों प्लांट को अपने को जोड़ना है। तो क्या होगा? ऊपर वाले मैं ले लेता हूं पीला वाले, नीचे वाले ले लेता हूं सफेद वाला। तो देखो ये तो हो गया नीचे वाले भाग, और ऊपर वाले मैं ले लेता हूं येलो कलर का, ये पीला वाले। अब आप केवल इतना समझो, ये पीला वाले। तो ये जो प्लांट बने हुए हैं ना, इसको बोलते हैं ग्राफ्टेड प्लांट। क्या बोलोगे बताओ? अब ये ग्राफ्टेड प्लांट बनाने के लिए आपको दो प्लांट चाहिए था, एक तो इधर और एक ये वाले, चाहिए या नहीं? तो हमारे जब गुरुजी पढ़ाते थे ना कि ग्राफ्टिंग बडिंग, तो हमें लगता था दो पेड़ को काट करके जोड़ते हैं,
आज से वो कॉन्सेप्ट हटा देना है। वैसे जोड़ते नहीं है, देखो कैसे जोड़ते हैं, आपको इमेज से समझाता हूं। सबसे पहले मैं सिट्रस का रूट स्टॉक दिखा रहा हूं। कभी भी मैं बोलूं कि पढ़ रहा हूं रूट स्टॉक मूल ब्रंथ, तो समझना है जैसे ये पेड़ है। क्या है ये? एक पेड़। रूट का मतलब ये नहीं दिमाग में आता है केवल जड़ जड़ उसका होगा ना, पूरी पेड़ है। जैसे देखो मेरे जैसा पूरी क्या है, वो पेड़ है। तो आप समझो सबसे पहले किसका बीज है? नींबू का बीज है। इससे क्या बन रहा है बताओ? बीज से क्या बनते हैं? सीडलिंग। क्या बनेगा? सीडलिंग। तो ये बन रहा है इसका सीडलिंग। अगला पॉइंट आप समझो, सीडलिंग से धीरे धीरे ये सीडलिंग है, ये अभी क्या है बताओ? सीडलिंग। आप मुझे बताओ ये किससे बन रहा था? सीड से। किससे बन रहे हैं? सीड से क्या बनता है? सीडलिंग। बीज से बनता है पौधा। क्या बनाया? पौधा। अब पौधा बन गए। अब इस पौधा देखो इस तरह से खेत में लगा करके इसको इकट्ठा करके मैं दिखा रहा हूं। अब जो ये दिख रहा है ना तुझे, इसका नाम आज के बाद आप क्या लोगे? मूल ब्रंथ। क्या लोगे बताओ? अब आपको दिमाग में आया मूल ब्रंथ क्या है? ये है मूल ब्रंथ। किसका मूल ब्रंथ है वो छोड़ दे, नींबू का है, कटहल का है, आम का है, चीकू का है, वो छोड़ देना। अभी आपको केवल एक पॉइंट समझना है, जब भी मैं बोलूं रूट स्टॉक आज के बाद जीवन में, तो तेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? रूट स्टॉक का मतलब पौधा, पेड़ होते हैं। क्या होते हैं बताओ? पेड़। रूट स्टॉक का मतलब क्या समझोगे? पेड़। केवल हेडिंग समझो, बाकी मैं समझा लूंगा। समझ में आया? नहीं तो नया शब्द लगे यार, रूट स्टॉक क्या है? रूट स्टॉक बताओ क्या है? एक प्लांट है। क्या है बताओ? समझ जाओगे प्लांट है। कहां उपयोग करेंगे? ग्राफ्टिंग बडिंग, इधर हम इसका उपयोग करने वाले हैं, बस इतना। अब आ जाओ ये बताओ क्या है? ये रूट स्टॉक है। ऐसा तो रूट स्टॉक, हाँ पेड़। संतरा बोलता हूं तो दिमाग में क्या आता है बताओ? अरे यही चीज है पागल, जब मैं बोलू संतरा तो बताओ मन में क्या आया? अरे गुरुजी ये तो पेड़ होगा संतरा का। जब मैं बोलता हूं मौसम्मी तो दिमाग में क्या आया बताओ? इसका भी प्लांट होगा। और जब मैं बोलू कागजी नींबू, कागजी नींबू, तो क्या दिमाग में आया बताओ? इसका भी पेड़ होंगे। कागजी नींबू भी बोलू तो क्या लगता है? पेड़। अब ये क्या है बताना? ये कौन सा पेड़ है? इन तीनों में कुछ है बस बड़ा क्या है? मौसमी नहीं, ये आज के बाद आप बोलोगे रंगपुर लाइम है। क्या है बताओ? फिर से बताओ क्या है ये? जिस तरह से मौसमी होता है ना, जिस तरह से संतरा आपके दिमाग में छप गया, जिस तरह से कागजी नींबू जो निचोड़ के खाते हैं वो छपा, वैसा ही पेड़ का नाम है जिसका नाम क्या है? रंगपुर लाइम। क्या नाम है? अच्छा बताओ, अब मैं आपको ना आपको थोड़ा सा पॉइंट दिखाता हूं। अगर मैं बोलूं ऐसा नींबू है तो ये भी एक पेड़ दिख रहा है, और ये रंगपुर लाइम नहीं है, अब इसका नाम है रफ लेमन। क्या नाम है बताओ? ये क्या नाम है? संतरा आपने जीवन में सुना था, मौसमी सुना था, कागजी नींबू पढ़े थे, अब दो नाम और बता रहा हूं तुझे। क्या क्या? रंगपुर लाइम और रंगपुर लाइम और बस नाम देखो। देखो ये भी नींबू है। और सर ये कहां होते हैं सब गुरुजी? तो ये सब होते हैं। अभी आपको अगर नहीं दिखाता तो तू कंफ्यूजन में रहता ना कि अरे यार ये सब क्या नाम बोल रहे हैं, जानवर का नाम है रफ लेमन कि पेड़ का नाम है, तो ऐसे दिमाग में आते हैं। अब तुम देखो ये है करना खट्टा। क्या नाम है बताओ? तीन नाम नया पढ़ाया हूं, कौन कौन? रंगपुर लाइम, रफ लेमन, करना खट्टा। ये सब सारे किसके बिरादरी हैं? नींबू के। किसके हैं? बस हो गया, अब रूट स्टॉक समझाना इजी होंगे। ये देखो और है ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ऐसा देखो छोटकिनिया। ये क्या नाम है इसका? ट्राइफोलिएट ऑरेंज। एक और बता देता हूं, फ्लाइंग ड्रैगन। ये क्या है? फ्लाइंग। तो पांच नाम मैंने जो बोला वो क्या है? वो सब नींबू वर्गीय फल। क्या है बताओ? नींबू वर्गीय फल। अब कहानी को मैं वापस ले रहा हूं जो आप समझना, केवल मैंने इमेज दिखाया, आपका दिमाग में आया होगा गुरुजी रंगपुर लाइम क्या है, अच्छा एक पेड़ है, करना खट्टा क्या है,
एक पेड़ है। ट्राइफोलिएट ऑरेंज क्या है? नींबू का पेड़ है। आ गया दिमाग में ऐसा? अब समझो, अब मैं आपसे क्या शेयर कर रहा हूं, जरा इनकी बात यहां से कर लेते हैं। देखो अब ये यहां से कहानी शुरू करना है। अब ये क्या है बताओ? ये क्या है? रंगपुर लाइम है। क्या है? रंगपुर लाइम। अब आ जाओ, इस रंगपुर लाइम का हमें रूट स्टॉक के जैसा उपयोग करना है। किसके जैसा उपयोग करना है? रूट स्टॉक। तो क्या करोगे रूट स्टॉक के जैसा? कैसे उपयोग करेंगे इसका? बहुत सारे प्लांट बनाना है। रूट स्टॉक देखो, ऐसा ऐसा वाला छोटा छोटा प्लांट बनाया ना, ये वाले अभी तो आपको दिखाया था, ये वाले, ऐसा प्लांट बनाना है। किसका बनाना है? रूट स्टॉक का। किसका बनाना है? रूट। अब रंगपुर लाइम का जब बनाना है तो सबसे पहले इसका क्या लेना पड़ेगा तुझे? बीज। क्या लेना पड़ेगा? और बीज से छोटे छोटे ये प्लांट बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे ना, इसको क्या बोलोगे बताओ? पौधा। बीज से क्या बनेगा? पौधा। और ये पौधा बाद में जाकर के बन जाएगा बड़ा। अब इसका उपयोग हम करेंगे, जानते हो किसके लिए? रूट स्टॉक के लिए। किसके लिए करोगे? रूट स्टॉक, मूल ग्रंथ के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। पेड़ हो गए, बन गए, एक पेड़ बना दिया। सेम ऐसा ही ऊपर वाला पेड़ एक और बनेगा, जिसको हम बोलते हैं सियोन। ये ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग के ऊपर वाले भाग क्या कहलाता है? सियोन। और नीचे वाले भाग क्या कहलाएगा? ये वाले मूल ग्रंथ। क्या कहलाते हैं ये? जिसको हम बोलते हैं रूट स्टॉक। क्या बोलोगे? रूट। तो बताओ, इसके लिए आपको नया सा पेड़ लगाना पड़ा या नहीं? बनाना पड़ा ना। ऐसा ही हम नया पेड़ किसके लिए बनाएंगे? सियोन के लिए। किसके लिए बनाएंगे? सियोन। तो जैसा ये देखा है, मान लो इसको समझाने के लिए, ये मान लो रूट स्टॉक है और ये क्या है? सियोन। समझाने के लिए बता रहा हूं कि दो बॉक्स है आपके पास, इधर वाले क्या है? रूट स्टॉक, इधर वाले क्या है? सियोन। तो रूट स्टॉक जिसको रूट बोलते हैं ना, तो इसका हम लेंगे केवल जड़ वाले भाग। कौन सा भाग ले लिए? जड़ वाले। इसका कौन सा भाग लेंगे? केवल जड़। और इसका लेंगे, मान लिया जाए ये इंसान देख रहे हो ना, ये बेल्ट जो है इंसान के, उसके नीचे मान लो रूट स्टॉक है और ऊपर क्या है? सियोन। तो ऊपर वाले भाग ले रहे हैं, इससे ऊपर ले लेता हूं ग्रीन कलर से। देखो, ले लिए ये ग्रीन कलर और यहां जोड़ दिए, ये पत्ती उत्ती लगा हुआ, लगा हुआ है। चले आ जाओ अब, तो ये कौन सा प्लांट कहलाते हैं? ग्राफ्टेड प्लांट। कौन सा प्लांट? ग्राफ्टेड। लिखो मत, कोई लिखना है ही नहीं अपने यहां। कौन सी प्लांट है? ग्राफ्टेड। तो बताओ ग्राफ्टेड प्लांट कैसे बनते हैं बेटा? बताओ आप कैसे बनते हैं ग्राफ्टेड प्लांट? एक तो गुरुजी हमें रूट स्टॉक चाहिए और एक क्या चाहिए? सियोन। इन दोनों के मोटाई होना चाहिए पेंसिल के जात। पेंसिल देखे उन, जो हाथ में पेन है ना, इतना मोटा डाली होना चाहिए, ज्यादा मोटा नहीं। और इसको आपस में काट करके जोड़ देते हैं, तो ये कौन सी प्लांट बनेगी बताओ? ग्राफ्टेड प्लांट। कैसा प्लांट बनेगा? बस इतना ही। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो दिमाग खराब हो जाएंगे, ये सब खूब पढ़ना है। अब मैं बात करूंगा सबसे पहला नींबू वर्गीय का। किसका बात करूंगा? नींबू वर्गीय में रूट स्टॉक के लिए सबसे पहला जो है, जिसका नाम क्या है? रंगपुर लाइम। क्या नाम है इसका? नाम देखो, सिट्रस लाइमोनिया। क्या नाम है? सिट्रस लाइमोनिया। सार में लिखे हुए हैं, कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। चले अगले पॉइंट, सर्वोत्तम मूल ग्रंथ है, सबसे अच्छा रूट स्टॉक है किसके लिए? संतरा और मौसमी के लिए। दूसरा, लवण के लिए क्या होता है? सहनशील। ये होगा सॉल्ट रसिस्टेंट। कैसा होता है ये? सॉल्ट रसिस्टेंट, यानी लवण के प्रति क्या होगा? सहनशील। ये ट्रिस्टेजा जो विषाणु लगते हैं, नींबू में एक बीमारी लगता है जिसका नाम क्या है? ट्रिस्टेजा वायरस। ट्रिस्टेजा के प्रति भी क्या है ये? सहनशील। और फल सड़न गलन इसके प्रति है ग्रहणशील। समझो अब क्या है, इस ज्ञान बातों से क्या सीख मिला? ये जो आपने देखा मूल ग्रंथ, क्या उन देखा? ये वाले। तो वैज्ञानिक पूछेगा कि किसान इसके से क्या क्या फायदा होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि अगर इसका मूल ग्रंथ लगाते हैं और पेड़ बनाते हैं तो क्या फायदा है? एक तो इसमें वायरस का आक्रमण कम होगा,
दूसरा, किसान परेशान रहता है ना बीमारी से, तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो ऐसा रिसर्च करोगे, तो इससे अगर मूल ग्रंथ लेंगे तो क्या फायदा है? फायदा है गुरुजी, इतने फायदा कि पहला, ये गर्मियों में लगा सकते हैं, राजस्थान के लिए उपयोगी है। दूसरा क्या है, ट्रिस्टेजा वायरस के प्रति क्या है, सहनशील, इसमें वायरस नहीं लगेगा। तुम लोग के एग्जाम के लिए केवल पूछेगा, बताओ रंगपुर लाइम किसका रूट स्टॉक, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। किसका है? नींबू का। किसका है? नींबू। किसका है? बस इतना ही याद रखना है। नींबू वर्गीय में सबसे अच्छा मूल ग्रंथ है जिसका नाम क्या है बताओ? रंगपुर लाइम। क्या नाम है? इतना ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं इसमें लिखना है। अगला चले, ये कौन है बताओ? रफ लेमन। क्या नाम है? नाम से ही पता है रफ, और जाटी खट्टी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जाटी खट्टी। नाम भी देखो, जंबरी, सिट्रस जंबरी। नाम क्या है? सिट्रस जंबरी। क्या नाम है? सिट्रस जंबरी। अब देखो, जो जाट लोग होते हैं ना, इसको बुरा मत मानना कोई जाट उठ, ये तो ऐसे सिखाने के लिए बोलता हूं। जो जाट होते हैं वो अड़ियल होते हैं। अड़ियल का मतलब समझते हो? अगर अड़ गया ना तो अड़ गया, हटेगा नहीं वो, फिर ऐसे अड़ जाते हैं। वो बोलेगा नहीं, पहले मैं ये काम करूंगा, तो उसको करने देना, नहीं तो वो मानेगा तो है नहीं, तो इसलिए उसको बोलते हैं अड़ियल। क्या बोलते हैं? अड़ियल। तो ये रफ होते हैं, उसका बोली भी रफ होगा, तो रफ लोग होते हैं। तो रफ लेमन क्या है? जाटी खट्टी। और नाम क्या है बताओ? सिट्रस जंबरी। क्या नाम है? जंबरी। तो ये जो मैंने बताया अड़ियल होते हैं, इससे अड़ियल का मतलब ये अड़े रहते हैं, जानते हो कौन? गर्मियों में भी, यानी बहुत ज्यादा भी गर्मी है तो अड़े रहकर काम करेगा, डटे रहकर क्या करेगा? काम करेगा। तो इसको हम बोलते हैं जाट। डटे रहकर क्या करना? काम करना, अड़ियल। कहाँ? गर्मी में। सर्वाधिक उपयोग इसका होता है पंजाब हरियाणा, आप जानते हो, और वहां किन्नों के सबसे ज्यादा उपयोग में इसका मूल ग्रंथ का उपयोग करते हैं। कहाँ बताओ? किन्नों के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में इसका उपयोग। अब आप समझो, बताओ मुझे नाम क्या मैंने बोला? अगला रफ। रफ कौन होंगे? जाट। और इसका नाम सिट्रस जंबरी। नाम क्या है? सिट्रस जंबरी। कहाँ लगाते हैं इसको? किन्नों के साथ। किसके साथ मूल ग्रंथ में उपयोग करते हैं? किन्नों के साथ। किसके साथ करते हैं? फिर से बोलो, किन्नों। अब आ जाओ, किन्नो क्या है जल्दी से बता दो। किन्नो, KINNOW। क्या नाम है? किन्नो। किसका किसका क्रॉस है? तो ये क्रॉस है किंग लीफ, किंग लीफ। और किसके क्रॉस है? बिल्लो लीफ का। अब आए गुरुजी, जैसे आपने रंगपुर लाइम लिखा वैसा ही ये दो सिट्रस और आ गए तेरे पास। क्या नाम है बताओ? किंग लीफ और बिल्लो लीफ। ये भी पेड़ है। किसका पेड़ है? नींबू वर्ग। जो एमएससी में पढ़ते हैं ना, तुझे सोच ले, अभी पढ़ा देता हूं। अगर अननोन आदमी को तुम बिल्लो लीफ बोलता तो ये नहीं पता है कि ये जानवर का नाम है या किसका है। अभी तुम बोल दोगे ये नींबू है, ये क्या है? जैसे संतरा होते हैं ना पेड़, मौसमी पेड़ होते हैं, कागजी नींबू पेड़ होता है, अभी रंगपुर लाइम दिखाया था, करना खट्टा दिखाया, ऐसा ही नींबू का पेड़ होगा किंग लीफ। और नाम क्या होगा? बिल्लो लीफ। क्या होगा? किंग लीफ। और क्या नाम होगा? बिल्लो लीफ। जानते हो ये किंग का साइंटिफिक नेम पूछ लेगा, सिट्रस नोवेलिस। इतना लिख लोगे इंग्लिश? नहीं लिखोगे तो अपनी सार में लिखा हुआ है। क्या नाम है? सिट्रस नोवेलिस। और इसका नाम है सिट्रस डेलिसियोसा। डेलिसियोसा। क्या नाम है बताओ? सिट्रस नोवेलिस। और क्या नाम है? सिट्रस डेलिसियोसा। कर लोगे? ये क्या है? नर को याद रखोगे, किंग नर, नर राजा, नर। हालांकि याद कराऊं, ये नारी है। हमेशा क्रॉस में नारी को प्रथम स्थान दिया जाता है। जब भी क्रॉस करते हैं ना ब्रीडिंग में, ऐसा ऐसा क्रॉस आपने देखा कभी जीवन में, तो उसमें जब भी रहेगा तो लेडीज फर्स्ट। इधर वाले कौन होते हैं? फीमेल होते हैं। लेकिन याद करने का तरीका, किंग, किंग का मतलब इसका साइंटिफिक नेम लग रहा है नर है, नोवेलिस, नर, नोवेलिस। किंग का साइंटिफिक नेम नोवेलिस। अब सबसे पहले ये किन्नो बनाया था किसने? वैज्ञानिक थे एच वी फ्रॉस्ट।
क्या है वैज्ञानिक का नाम बताओ? H.B. फ्रॉस्ट। कहां बना था? 1935 ईस्वी में इसको सबसे पहले बनाया गया था यूएसए में। कहां बनाया गया था? यूएसए में। बताओ यूएसए गंगानगर के पास है बेटा? यूएसए कहां है? राजस्थान में। कहां है बताओगे तभी तो मजा आएंगे। कहां है यूएसए? राजस्थान में नहीं है यूएसए, है ना? किस जिला के करीब है? कौन कौन सी जिला के? नाम सुना है कभी यूएसए? अखबार उखबार में नहीं सुना कि राजस्थान में यूएसए में चोरी हो गए? सुना होगा कि पीछे वाले कौन से जिला के निकट है यूएसए राजस्थान में? धरियाबाद? कुछ नहीं पता। बांसवाड़ा? तेरे जहां सोना के खाने वाने है यूएसए नहीं है? यूएसए देश है पागल। जैसे भारत देश है ना, वैसा है सबसे सुखी संपन्न देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बहुत सारे देश मिलकर के ना एक बनाया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संघ है, क्या है ये? संघ। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं। जिधर एक बार ऐसे देख लेते हैं उधर बोलते हैं सेवाएं समाप्त है, उसकी खेल खत्म है। तो ये बहुत शक्तिशाली देश है जो ना ठंडे प्रदेश में उधर रहते हैं। समझ में आई बातें? हाँ। तो कहां ये बना था बताओ? यूएसए में। और सबसे पहले ये यूएसए से किन्नो भारत आया। कहां आया बताओ? भारत। भारत में इसका आगमन हुआ कहां से? यूएसए से। कब हुआ? 1959 में। और सबसे पहले भारत में कहां आए ये? पंजाब में आया। कहां आया? पंजाब। अब राजस्थान की बात करें तो आप जानते हो राजस्थान में कहां होगा? राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है श्री गंगा नगर। कहां होते हैं बताओ? श्री गंगा नगर। याद रखोगे पॉइंट, श्री गंगा नगर। चले आगे बताओ, किन्नो किसका किसका क्रॉस है बेटा? किंग लीफ और बिल्लो लीफ का। किसका क्रॉस है? किंग लीफ और बिल्लो लीफ। किंग लीफ का साइंटिफिक नेम बताओ, कैसे याद रखोगे? किंग नर है। सिट्रस नोवेलिस, सिट्रस नोवेलिस। दूसरा क्या है? सिट्रस डेलिसियोसा। क्या नाम है? सिट्रस डेलिसियोसा। सबसे पहले किन्नो को किसने बनाया था? H.B. फ्रॉस्ट। कौन है H.B. फ्रॉस्ट? कौन है H.B. फ्रॉस्ट? कौन है? बोलेगा तभी तो समझेंगे, नहीं तो याद नहीं। कौन है H.B. फ्रॉस्ट? इंसान है। क्या है? इंसान है, वैज्ञानिक है। कभी यही नहीं समझो H.B. फ्रॉस्ट कहीं पाला तो नहीं लगा हुआ है सर? नहीं, फ्रॉस्ट का मतलब पाला होते हैं, पर ये ना पूरा नाम है उनका, ये है क्या बोल सकता हूं, वैज्ञानिक है। कब बनाए थे? 1935। कहां बनाए? यूएसए। भारत कब आया? 1959। कहां आया? पंजाब। राजस्थान में कहां उत्पादन है? अगर पूछा जाए देश में सबसे ज्यादा किन्नो का उत्पादन, देश में किन्नो का उत्पादन पंजाब। राजस्थान में किन्नो का उत्पादन, आ जाओ अब इसके साथ कौन सा मूल ग्रंथ लगाएंगे वो भी बोल दो। किन्नो के साथ कौन सा मूल ग्रंथ लगाएंगे बताओ? कुल कौन सा मूल ग्रंथ का उपयोग किया जाता है किन्नो के साथ? अभी आपने बोला रफ लेमन। किसका उपयोग करेंगे? रफ लेमन। रफ लेमन का दूसरा नाम क्या है? जाटी। इसका क्या बोलोगे? जाटी खट्टी। क्या नाम है? जाटी खट्टी। उसके बाद इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? सिट्रस जंबरी। क्या नाम है? सिट्रस जंभेरी, भरी जंभरी, सिट्रस जंबरी। ठीक है, ये हो गए आपके रूट स्टॉक। अगला है करना खट्टा। क्या नाम है? करना खट्टा। भारी मृदा के लिए उपयुक्त, भारी मृदा का मतलब हैवी सॉइल के लिए उपयुक्त कौन है? इसका नाम क्या है? करना खट्टा। बताओ तुम लोग भारी मृदा किसे कहते हो? हल्की मृदा और भारी मृदा में अंतर बताओ। दरियाबाद बेटा, नहीं पूछोगे तो कैसे मैं समझूंगा तुम क्या जानते हो, तेरे अंदर कितना समझ में आ रही है? पूछना आवश्यक है। क्या होते हैं ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो लड़के आते हैं तुम पूछते ही नहीं हो। प्रतापगढ़, सीधा बेचारा इतना सीधा होता है, ऐसे बैठ के पढ़ लेगा चला जाएगा, इतना सीधा होते हैं। नहीं भी समझ में आता है तो कुछ नहीं बोलता है बस, ठीक। पूछना चाहिए अपन। भारी मृदा किसे कहेंगे गुड़िया? भारी मृदा, कभी गुरुजी बोले भारी मृदा का मतलब होता है ना ऐसी मिट्टी जो आपस में चिपक जाए, चिपक जाए।
एकदम ऐसे कसकस के चिपक जाए मिट्टी, बारिश हुआ और पूरी मिट्टी क्या है कस के चिपकी हुई है, देखा है ऐसे गांव में। अब उसपे कुड़ाई अगर करेंगे तो बताओ ताकत ज्यादा लगेगा या कम? ज्यादा। काली मिट्टी देखियो, काली मिट्टी एकदम कस के चिपक जाते हैं। एक बलुई मिट्टी देखा होगा, बलुई मिट्टी तो आसानी से ऐसे खुरपी लगाओगे तो खुदाई हो जाएंगे ना, और काली मिट्टी चिपक जाते हैं। अब ट्रैक्टर चलाओगे तो हन हन माने कस की आवाज होगी, पूरी तेल खर्चा होंगे। और बलुई मिट्टी में देखता होगा ट्रैक्टर भागते हैं फुर जा रहे हैं ना, तो वो कौन सी मिट्टी है? हल्की। भारी मिट्टी में आवाज क्या होंगे? घन घन वाला। एकदम ट्रैक्टर बोलेगा माई गे माई, यानी कि हमें ताकत क्या लग रहा है? ज्यादा। ये कौन सी मिट्टी है? भारी मिट्टी। और काली मिट्टी किसका उदाहरण होता है? हैबी सॉइल का। किसका है? हैबी सॉइल। कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में काली मिट्टी ज्यादा? झालावाड़ कोटा इधर है कौन? काली मिट्टी। आ जाओ अगला, ट्राइफोलिएट ऑरेंज बौना मूल ब्रन, ठंड सहनशील होते हैं। इसको छोड़ दोगे तो भी चलेगा, मस्त रहना कोई दिक्कत नहीं, इसको याद करना। पर नाम सुन लेते हैं, ये आया हुआ है फ्लाइंग ड्रैगन, बौना मूल ब्रन। बौना समझते हो? बौना छोटकी निया, इतनी छोटी पेड़, लंबा बौना लंबा। तो ये कैसा है बताओ? बौना है। कैसा है? बौना। आप तो इसकी बात कर रहे हो पागल, जेट में पूछा हुआ है चीकू का मूल ब्रंत, जेट में खिरनी, तो इसलिए आ जाते हैं क्वेश्चन। पढ़ाना जरूरी है, कोई नहीं पढ़ाता है, अपन पढ़ा देता हूं। अब हम बात करेंगे किसका? आम का। तो इससे पहले बताओ मुझे नींबू के पांच नाम बता दो। रंगपुर लाइम सबसे कॉमन, रफ लेमन, जाटी खट्टी इसका नाम है, किन्नू में लगाते हैं। नींबू का पूछेगा सबसे अच्छा मूल ब्रंथ बेटा, रंगपुर लाइम। किन्नो में कौन लगाते हैं बेटा? रफ लेमन। सबसे पहले किन्नो कहां बना था? अमेरिका में, यूएसए में। भारत में कहां आया था? पंजाब। राजस्थान में उत्पादन श्री गंगानगर। कब बना था पहली बार? 1935। भारत में कब आया था? 1959 1959 में। सही है। अगला एक बौना वाला याद रखना, बौना कौन है? फ्लाइंग। बस तीन याद रख लेना, चले आगे। अब मूल वरंद के बाद दूसरा याद रखेंगे अगला आम। अगला कौन है? आम। कौन पढ़ेंगे? आम। अब आम में आपको तो बड़ा इजी है, याद रखोगे नमक। खाते हो नमक? बस नमक का मतलब होता है लवण, सॉल्ट। लवण क्या बोलते हैं? SALT, सॉल्ट। याद रहेगा? SWT नहीं है। अब बताओ पूछेगा लवण प्रतिरोध रूट स्टॉक बताओ आम का, तो याद रखोगे नमक। नमक का मतलब क्या होता है? लवण। नमक का मतलब लवण। ना का मतलब याद रखना नेकरे, याद रह जाएंगे। मां का मतलब याद हो जाएगा मुवंदन, मुवंदन। का मतलब याद हो जाएगा आपका कुरुकुन, कुरुकुन। बताओ कौन कौन याद हो जाएंगे? नेकरे, मुवंदन, कुरुकुन। और ये तीनों जो है कैसा है बताओ? सॉल्ट रसिस्टेंट। कैसा है ये? सॉल्ट रसिस्टेंट रूट स्टॉक का नाम है। तो क्या याद रखोगे? न म क। क्या याद रखेंगे? न म क। याद हो गया सबका? ये तीनों में किसी को कोई दिक्कत? अगला आ जाओ बौना। बौना का मतलब होता है ड्वार्फ। अभी FSO जो एग्जाम दिया होगा ना उसमें भी एक प्रश्न है रूट स्टॉक से। देखो मैं न्यूसिलियर रूट स्टॉक अभी पढ़ाऊंगा आपको। बौना मूल ब्रंथ यानी ये क्या है बताओ? ड्वार्फ। इसमें पूछा है रूमानी, क्रीपर, विलाई कुलंबन। एक बार नाम बोलो इसका, फिर से बोलो। विलाई कुलंबन। नाम बड़े है ना, नाम क्या है? बड़े। तो आम में जानते हो गुणसूत्र होते हैं 40 और इसमें होता है 80। बताओ गुणसूत्र सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? जिसका नाम बड़ा है। किसका नाम बड़ा है? विलाई कोलंबन। क्या नाम है? विलाई कोलंबन। इसमें गुणसूत्र कितना है? 80। ऐसे कितना होता है? 40। पर इसमें कितना है? 80। अब यह है बहुभूर्णता पाई जाती है जिसका नाम क्या है?
पोली एम्ब्रियोनिक, क्या नाम है? पोली एम्ब्रियोनिक, यानी बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं। देखो एक सीड है, इसमें बहुत सारे मैंने क्या बना दिया, भ्रूण। तो इसको क्या बोलोगे? बहुभ्रूणता। जितने भ्रूण है ना उससे उतने प्लांट बन सकते हैं। देखो आप जितने भ्रूण है उससे उतने क्या बन सकते हैं? प्लांट। बहुभ्रूणता, हर एक भ्रूण को निकाल लो एम्ब्रियो को, उससे उतना प्लांट बन सकता है। अब ये किस में पाया जाता है, पहले नाम याद करा देता हूं कौन कौन है। विलाई कुलंबन, और ये आया हुआ एग्जाम में, सुपरवाइजर में भी पूछा है, ओलोर। तो याद रखोगे, ओलोर क्या है बताओ? आम का मूल ग्रंथ है। मूल ग्रंथ का मतलब एक वैरायटी, ऐसे समझ ले, जैसे आम का आम्रपाली समझते हो ना, वैसा ही समझ लो, ओलोर भी एक वैरायटी है। तुम ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ, केवल वैरायटी जैसा समझ लो, वैरायटी है। विलाई कुलम्बन क्या है बताओ? तो क्या बोलोगे? आम की वैरायटी है। चल इतना तो कर लोगे, ऐसे है। क्या वो मूल ग्रंथ लगता है? थोड़ा अजीब टाइप के नाम जैसा। अब बताओ यहां से दो तीन पॉइंट मुझे बताओ क्या याद रखने का है। लवण प्रतिरोध कौन है बताओ? नमक। याद रहेंगे सबको, कौन है बताओ? नमक। दूसरा कौन? न से क्या हो गया? नेक्रे। म से क्या हो गया? मोबंधन। क से क्या हो गया? कुरुकुन। बेटा सबके पास बुक है तो इजी भी है याद करना, लिखना नहीं है, उसी को तीन बार बोलूंगा, याद करना है, लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बौना मूल ग्रंथ कौन है बताओ? बौना। बौना मूल ग्रंथ रुमानी क्रीपर और विलाई कुलम्बन। रुमानी क्रीपर और विलाई कुलम्बन। बहुभूर्णता पाई जाती है किसमें बताओ? विलाई कुलम्बन और ओलोर में। क्या है? ओलोर में। अब यहां से आया था क्लोनल रूट स्टॉक किससे बनाया जाता है, तो पोली एम्ब्रियोन। अब एक पॉइंट आप लिखो, प्रश्न देखो, बहुभूर्णता पाई जाती है, बहुभूर्णता पाई जाती है, कहीं आप कॉपी में एक प्रश्न लिख लो, बाकी तो ये बुक में लिखा हुआ है, आपको लिखना नहीं है, पर ये प्रश्न लिखो आप। ऑप्शन ए नींबू, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी की बात करें जामुन, और डी की बात करें सभी। तो क्या टिक करोगे बताओ? सभी। क्या टिक करेंगे? लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा आता बताओ, इधर इंग्लिश में लिख देता हूं, सिट्रस, मैंगो, जामुन, और एक आ जाता ऐसा बेर, आप क्या टिक करते बताओ? आप क्या टिक करते? बहुभूर्णता। देखो मैंगो जो लड़का बता रहे हो, ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दो तरह की इंडिया की बात करेंगे, इधर वाले जो वैरायटी होते हैं ना उसमें पाया जाता है पोली एम्ब्रियोनिक की कंडीशन, यानी बहुभूर्णता अगर पूछा जाए तो किस साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत के जो आम होते हैं वहां क्या पाया जाता है? पोली एम्ब्रियोनिक, जबकि नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है मोनो एम्ब्रियोनिक। तो ये कंडीशन सब पे लागू नहीं हो रहे हैं। क्या पाया जाता है बताओ? मोनो एम्ब्रियोनिक, जिसे हम बोलेंगे एकल भ्रूण, यानी एक में एक ही भ्रूण पाए जाते हैं, ये ऐसा गुठली उसमें एक भ्रूण, और इधर वाले में देख बहुत सारे ये क्या पाए जाते हैं? भ्रूण। तो इससे सबसे अलग अलग प्लांट बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं ना, ये अलग अलग प्लांट बनाओगे। तो ये कहां पाया जाता है बताओ? दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत का नाम समझते हो? तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, इन सब में। और यहाँ के जो आम होते हैं ना वो देते हैं फल नियमित, नियमित फलन भी इधर होता है। तो सोचो भगवान कितना बड़ा हम लोग से अन्याय किए, हर साल फल भी देते हैं उधर, किधर? दक्षिणी भारत में। पोली एम्ब्रियोनिक भी कहाँ है बताओ? दक्षिणी भारत में। माल फॉर्मेशन की समस्या भी उधर क्या होती है? कम। अभी पढ़ाऊंगा बाद में, माल फॉर्मेशन की भी समस्या उधर क्या है? कम। अब नॉर्थ इंडिया में क्या है बताओ? एकल भ्रूण। तो ये तो पूरी तरह से कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया भाई, आम आधा आम एकल भ्रूण है, आधा क्या है? बहुभ्रूण है, लेकिन पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं किया। अगर ऐसा ऑप्शन आता तो क्या टिक करते बताओ? सिट्रस। क्या करोगे?
छाप लिया इसको, दोनों क्वेश्चन आप लिख लिए, छापो आप। राधिका 80, क्या बेटा लिखी हो 80? इधर सिट्रस वाले टिक कर दिए आप लोग, मैंगो सिट्रस, बड़ा अच्छा है कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहो। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब अगला जाओ, ये और लिखना है लिख लो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अभी एफएसओ का एक क्वेश्चन लिखता हूं, न्यू सीलर पॉली इम्ब्रियोनिक द्वारा क्लोनल 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 मूल ग्रंथ विकसित किया जाता है। याद रख लोगे इसको, अब भी आया था इस बार का क्वेश्चन। अच्छा, सीट इंक्रीज की बात कर रहा है राधिका मेघबाल, 80 सीट बढ़ गए सुपरवाइजर में, कब तू लोग को पता लगता है रे बढ़ भी गए। चले आगे बढ़े, लिख लिया ये कंप्लीट, छापो जल्दी लिख, बाकी एक बुक ले लेना तू लोग आज दोनों, ठीक है? बुक में लिखे हुए हैं सारे, समय बचेंगे अपने। अब आ जाओ भाई, ये आया हुआ है इस बार जेट आईबीपीएस, खूब जगह ये प्रश्न पूछते हैं, तो ध्यान रखना। चीकू, देखो ये चीकू देखे हो, ये चीकू है, चीकू के फल प्रकार क्या है? बेरी। क्या है? बेरी। इसका साइंटिफिक नेम क्या है वो होता है बताओ, अचरस जापोटा, बिल्कुल ठीक है, अचरस जापोटा, बिल्कुल सही जवाब। क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है इसकी? 34, 36, 38। देखो इसका याद रखना, खिरनी, इसी का नाम है रेयान, खिरनी या रेयान, केवल आप याद रखना, वेराइटी याद रखना इसका, एक क्रिकेट बॉल किसकी वेराइटी है? क्रिकेट बॉल, तो ये किसका है? चीकू की। रूट स्टॉक का नाम क्या है? मूल ग्रंथ का नाम क्या है इसका? तो खिरनी। इसी का नाम क्या है? रियान। इस साल का प्रश्न आया हुआ, ध्यान रखना ये, खिरनी रियान। किसका मूल ग्रंथ है? चीकू का। किसका है? चीकू। क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है? चीकू की। आगे बढ़ो, बस इतना जितना काम का है। अब बात करेंगे अमरूद, किसकी बात करेंगे? अमरूद में एक रूट स्टॉक बता रहा हूं जिसका नाम है पूसा सृजन, 3 स्टार लगा लेना इस पे, पूसा सृजन, एनिप्लॉयड 82 भी कहा जाता है इसको, सेमी ड्वार्फ वेराइटी है, जिसको बोलते हैं अर्ध बौना, पूरी तरह से बौना तो नहीं कह सकते हो, पर अर्ध बौना, सेमी ड्वार्फ। आप तो नाम याद रखना, पूसा सृजन किससे संबंधित है बताओ? अमरूद से। और इसका और नाम क्या है बताओ? एनिप्लॉयड 82। अगला है चाइनीज गुआबा, साइंटिफिक नेम देखो इसका, सीडियम फ्रेड रिच थैलिनियम, कैसे पढ़ोगे? सीडियम फ्रेड रिच, यहां तक रुक जाना, थैलिनियम, ऐसे करके तोड़ तोड़ के पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो देख लेना, बड़ा वाले जो है उसका नाम क्या है? चाइनीज गुआवा। और ये रेसिस्टेंट किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई? मलानी के लिए। मलानी समझते हो? मलानी नहीं जानते हो? विल्ट। और विल्ट का मतलब होता है जब अमरूद सूखने लगे, सबसे घातक बीमारी अमरूद की, सबसे घातक बीमारी कौन है उसका नाम क्या है? विल्ट। सबसे घातक बीमारी का नाम क्या है? विल्ट। और इस विल्ट के लिए रेसिस्टेंट रूट स्टॉक का नाम क्या है?
चाइनीज ग्वावा, क्या नाम है बताओ? चाइनीज। ये नहीं पूछेगा चाइनीज ग्वावा, ये नाम आते हैं इसका, याद रखना, सीडियम फ्रेडरिच थैलिनम। वो किसके लिए रसिस्टेंट है? विल्ट के लिए, मलाने के लिए। किसके लिए है बताओ? विल्ट के लिए और मलाने, याद रहेगा। चले आगे, अगला आ जाओ, ग्रेप्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताओ? ग्रेप्स। ग्रेप्स को क्या बोलते हो? अंगूर। और अंगूर का रूट स्टॉक एक नाम है डॉग रिच। डॉग रिच, क्या नाम है बताओ? डॉग रिच। पहला रूट स्टॉक का नाम आपको पता लग गया, डॉग रिच। देखो कभी कभी ये भी पूछता है, 16-13 किसका रूट स्टॉक है? अंगूर का। डॉगरीज किसका है? अंगूर का। और ये प्रतिरोध किसके लिए है बताओ? सूत्रकृमि। क्या नाम है? सूत्रकृमि, निमेटोड प्रतिरोध। और साल्ट फाइलोक्सेरा, सॉल्ट कर दो इसको, लवण प्रतिरोध। लवण प्रतिरोध, ठीक है। और एक इंसेक्ट है जिसका नाम क्या है? फाइलोजेरा। इसके प्रति क्या होता है? ये प्रतिरोध। चले आगे, सॉल्ट रेसिस्टेंट कर दिए, निमेटोड रेसिस्टेंट आपने कर दिया, क्या नाम है? डॉगरीज। और यही लिखो बताओ, एक नाम और बताओ, नींबू में हमने क्या पढ़ाया था? नींबू में आपको पढ़ाया था फ्लाइंग ड्रैगन, ड्रैगन, फ्लाइंग ड्रैगन। ये किसका था बताओ? नींबू का। और याद आ रहा होगा ये बौना मूल ग्रंथ था, कैसा था? तो यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, एक तो डॉगरीज है और दूसरा क्या है? फ्लाइंग ड्रैगन। फ्लाइंग ड्रैगन किसका है? नींबू का। डॉगरीज किसका है? कंफ्यूजन समाप्त, समाप्त हो गए, आगे बढ़े। इस पे 3 स्टार लगा लेना, ये दोनों पे। केवल अंगूर में हमारे लिए 2 याद कर लेना भाई साहब, एक का नाम है सॉल्ट क्रिक, क्या नाम है बताओ? सॉल्ट क्रिक। और एक का नाम है टेम्पल, क्या याद रखोगे? टेम्पल। बताओ टेम्पल किसका रूट स्टॉक है? टेम्पल का मतलब ऐसा नहीं कि मंदिर, टेम्पल का मतलब ये नहीं समझना है मंदिर, क्या समझोगे बताओ? टेम्पल किसका रूट स्टॉक है, जल्दी बताओ किसका है टेम्पल? अंगूर का। और दूसरा क्या है बताओ? सॉल्ट क्रिक किसका है? ये भी किसका है? अंगूर। फिर से बताओ, सॉल्ट क्रिक किसका है? अंगूर। टेम्पल किसका है? अंगूर। अब सब इसी के लिए रसिस्टेंट, सूत्रकृमि, सूत्रकृमि, ये चलने देना, सूत्रकृमि रसिस्टेंट। चले आगे आ जाओ, अब बात करेंगे एप्पल। एप्पल उपल पढ़ना नहीं है तुझे, पर एक नाम तुझे सुना देता हूं केवल, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है। एप्पल का मतलब क्या बोलते हो? सेब। क्या बात करेंगे? सेब। सेब का रूट स्टॉक तो दिखा दिया कम से कम, देखो ये कितनी पतली डंठल लेना है पता लगा अब, पेंसिल के आकार कितना है? पेंसिल। जब मैं रूट स्टॉक बोलू दिमाग में ऐसा आ जाएगा, दिमाग में आ गया, कहाँ यूज करेंगे? ग्राफ्टिंग, बडिंग, कटिंग। तो एक खेत में क्या लगाया गया? देख कितने रूट स्टॉक, तुझे लगता होगा इससे डायरेक्ट सेब उगाएंगे, ना ना ना, नर्सरी में रहेगा। और इसको ले जाते हैं लोग खरीद खरीद के, ये खरीद खरीद के क्या करेंगे? ले जाएंगे, मानो ये पेड़ है एक बस। अब पहला ड्वार्फिंग रूट, ड्वार्फिंग का मतलब होता है बौना। बताओ सेब के बौना, बौना का नाम है M9। जानते हो एम शब्द क्या है? मैलिंग, मैलिंग याद रखोगे? मैलिंग, मैलिंग का मतलब एक जगह का नाम है, रिसर्च स्टेशन का नाम है मैलिंग, क्या नाम है? मैलिंग। तो ये अभी तेरे पागल मैलिंग उलिंग पढ़ा रहा हूं, जानते हो ये सब तेरा बहुत अंदर की मामला है, मैलिंग मार्टन MM सीरीज। पर तुम अभी नाम सुन रहे हो, ये कम बड़ी बात नहीं है, हो सकता है अपने जीवन में यही नाम सुन रहे हो। क्या एम का मतलब क्या होता है? मैलिंग। MM सीरीज का मतलब क्या है? मैलिंग मार्टन, छोड़ देना ये। उली एफिड एक याद रखो, ऐसे लिखा देता हूं, उली एफिड इंसेक्ट है, उसके लिए रेसिस्टेंट है। आपको ये भी नहीं याद रहे तो ये तो याद होना चाहिए, उली एफिड किसका घातक कीट है? सेब का। किसका है? बस छोड़ देना, उली एफिड नाम केवल सुनो, एक ही हमें सेब में याद रखना है, कहीं कहीं आएगा। एक सेब दिख गया,
सेमी ड्वार्फ, एम फोर देखो सब में एमएम सीरीज लगा हुआ है, तो एमएम क्यों लगाया गया, क्योंकि ये जो वेराइटी या रूट स्टॉक आप बोलते हो ये रिसर्च स्टेशन से निकाला गया, उसके पहले वैज्ञानिक क्या जोड़ देते हैं, एम, क्या जोड़ देते हैं, एम, बस ये याद रखना है, बस। दिख रहा है इसे? सिर्फ दिख रहा है, लग रहा है जमीन पे टच है, यहीं बैठे बैठे ले लूं एक दो। ये जो वेराइटी है सुपर ड्वार्फ अल्ट्रा वेराइटी, एक ही याद रखना, ये किसी एग्जाम में आ सकता है, सेब में, तो इसको बोलते हैं M27। बताओ सबसे बौनी ड्वार्फ वेराइटी सेब की बता दो, जो ऐसे बैठे बैठे सोए सोए भी सेब आ जा टूट जाएगा, तो वो कौन है, M27। और M27 किसका क्रॉस है, 13 और 9 का, और ये लिखा हुआ है HDP। HDP क्या होता है बताओ, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग किसे कहते हैं, देखो ये एक कमरा है, इसमें अभी 1 2 3 4 5 6 लड़का बैठे हुए हैं, मस्त आराम से बैठा हुआ है। अब एक कमरा यही है, सेम कमरा, उसमें मैं बोलूंगा कल से एडमिशन बढ़ गया, अब इसी लाइन पे 6 बैठोगे, जहां पूरी में फैल के बैठे थे ना 6 बैठोगे, फिर कितना बैठोगे, 6, फिर कितना, 6, ऐसे 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 ऐसे, ये कहलाता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ये कहलाया नॉर्मल, कि भाई एक बेंच पे गुरुजी ये बेंच है, 3 बैठेंगे ठीक है, पानी बैग उग रखने में फायदा होता है, 3। फिर मैंने बोला एक बेंच पे अब कितना बैठना है, 6, ये कहलाया हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अब मैं ना कुछ दिन के बाद एडमिशन और हो गए, अच्छे खासे तगड़े चलने लगे, तो एडमिशन और हो गया, क्रश कोर्स की बात सही बोला पीछे इसको, क्रश कोर्स। अब यहाँ पे ये रूम तो वही है, इसको तो बढ़ाऊंगा मैंने, पर अब 6 की जगह बोलूंगा थोड़ा सा आधा आधा ही पीछे वाले भाग रखना है, पूरा भाग नहीं रखना है, कितना रखना है, 9 बिठाऊंगा, कितना बिठाऊंगा, 9, ये देख लो इस तरह से, केवल लगे कि हाँ भाग रखा हुआ है आधा, आधा नहीं रखा हुआ है, तो ये भाग ऐसा आ जाएंगे, 9, कितने बैठ रहे हो, 9, दिमाग रखना जीवन में, ये घड़ी कभी भी आ सकते हैं, तो इस तरह से, जैसे खान सरार के क्लास में देखता है ना, केवल खिड़की से लोग देखते हैं, बैठते नहीं है, देखते हैं दूर दूर तक, ये ऐसा बना दिया। इसको आज के बाद अब बोलेंगे अल्ट्रा हाई, हाई तो था ही, ये क्या हो गया, अल्ट्रा हाई डेंसिटी, ये क्या हो गया, अल्ट्रा हाई डेंसिटी। बताओ तीनों में कोई दिक्कत, आज के बाद जीवन में समझ जाओगे, समझोगे बेटा, नॉर्मल क्या है, जो दूरी लेंगे वो क्या है, नॉर्मल। कभी मैं बोल दूं कि बताओ हाई डेंसिटी क्या है, तो हाई डेंसिटी समझ गया, अल्ट्रा हाई बहुत ज्यादा सघन कर दूं तो ये भी समझ जाओगे। तो ये जो रूट स्टॉक है, ये M27 क्या है, सुपर ड्वार्फ अल्ट्रा ड्वार्फ, घनो छोटू है, छोटू में भी क्या है, घनो छोटू बने, बहुत छोटू है। चले आगे, आगे बढ़ जाओ, क्रेव एप्पल, कौन सी बात करेंगे, क्रेव एप्पल। अब आ जाओ क्रेव एप्पल क्या है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कई गधे लड़के ऐसे हैं ना हमारे धरती पे, ऐसे लिखा दूंगा तो बोलेगा कि अच्छा हिंदी लिखने के टाइम नहीं मिलते हैं क्या, हिंदी वाले से ही आपकी रोजी रोटी चलती है, ऐसे भी आते हैं मैं से, तो इसको केवल ऐसे क्रेव एप्पल, बड़ा चंडाल है दुनिया रे, एक तो फ्री पढ़ाओ, YouTube से क्या लेना देना अपने को, फिर भी चले। तो ये क्या है, इसका नाम, इसका साइंटिफिक नेम जानते हो, JRF में पूछा हुआ है, मेलस, M4 मेलस बकाटा, ये भी हमेशा छोटा क्या होगा, मेलस बकाटा, छोड़ देना स्टॉक, सिडलिंग रूट स्टॉक है, कैसा है, सिडलिंग रूट स्टॉक, तो ये एक पॉइंट देख लो, ये ऐसा है, दिखा दिया आपको। नॉर्दर्न स्प्रे, ये भी रूट स्टॉक है, किसका, सेब का, बाकी जरूरत पड़ेंगे नहीं, 3-4 तुझे याद रखना, एक ही याद रखना मेरे लिए, M27, कौन याद रखोगे, सबसे बौना रूट स्टॉक क्या नाम क्या है बताओ,
M27 बस छोड़ देना, बाकी कुछ मत याद। एक कीट का नाम याद रख लोगे, उली एफिड, कौन है बताओ? बस छोड़ना, अब दो तीन पॉइंट रख लेना, याद हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो मस्त। पियर उगर समझाने की जरूरत है नहीं तुझे, पर समझा देता हूं। नाशपाती, नाशपाती में एक नाम याद रखना, क्वींस, ए बी सी, ये सारे इसी का है, क्वींस, ये क्या है बताओ? नाशपाती, नाशपाती, नाशपाती। अगला पीच, कम से कम पीच देखो, पीच का मतलब क्या होता है? आडू, पीच का मतलब क्या है? ये आडू नहीं पढ़ना है, इसी बहाने आडू देख लो एक बार, देख लिया ये क्या है? आडू। अगला पलम है, इसे बोलते हैं आलू बुखारा, आलू बुखारा, क्या नाम है इसका बताओ? आलू बुखारा, ये पलम। इसका फल प्रकार क्या होता है? ड्रुप, जिसके अंदर गुठली है वो क्या कहलाएगा? ड्रुप। और ये ठंडे प्रदेश का है, इसको क्या पसंद है? सर्दी पसंद है, ठीक है। देखो इसके अंदर गुठली, पिक्सी, सेंट जूलियन, ये सब तो छोड़, ये सब इसी का है, देखो प्लम का। रोग जो भारत से आया, भारत में आया है बताओ? केला का बंची टॉप कहां से आया है? आलू का सुनहरी सूत्रकृमि, गोल्डन निमेटोड की बात करें तो गोल्डन निमेटोड कहां से आया है? यूरोप से। अधिकांश बीमारी जानते हो हमें यूरोप वाले दिए, अंग्रेज उंग्रेज रहते थे ना, राज करते थे यहां, अंगूर उंगूर लाते थे उधर, अंगूर और हमारे देश में नहीं होता था पागल, हमारे यहाँ क्या होते थे जानते हो? हमारे यहाँ करौंदा होता था, फालसा होते थे, बेर होता था, बेल होते थे, ये सब होते थे, जो आमला होते थे ऋषि मुनियार, जो ये सब, बाकी जो ये अच्छे अच्छे जो फल है ना, आडू हो गया, आलू बुखारा हो गया, अब जैसे अंगूर हो गया, लीची की बात करें, ये सब हमारे देश के नहीं, ये सब आए। सब्जियों में भी बात करो तो हमारे यहाँ कौन होते थे? करेला, पहले के ऋषि मुनि करेला खाओ ऐसे वाले, उसके बाद और ककड़ी हमारे यहाँ होते थे, बैगन हमारे यहाँ होते थे भारत में, तो ये सब। आलू भारत की नहीं है ध्यान रखना, ये सब पेरू उरू में होता था, कहाँ था? पेरू में। तो वैसा ही अगर बात करो तो आते थे वो फल उल लेके और फल खाते थे, गुठली उठली फेंकते थे, जो बीमारी रहता था उसको बाहर फेंकते थे, धीरे धीरे वो बीमारी हमारे देश में फैल गया। तो आलू का सुनहरी सूत्रकृमि कहां से आया था? यूरोप। आलू की पछेती अंगमारी, जिसको बोलते हैं पछेती का लेट ब्लाइट, क्या है ये? लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ये भी कहां से आया? यूरोप से। अंगूर का डाउनी माइल्ड्यू, डीएम, डाउनी माइल्ड्यू, ये भी कहां से आया? यूरोप। और प्याज का स्मट कहां से? देखो सारे कौन दिया है, बस एक ही याद करना है, बंची टॉप। बंची टॉप कहां से आया? श्रीलंका वाले आए थे क्रिकेट खेलने, केला लेके आए थे, केला खाए, दे दिए बीमारी हमें, बंची टॉप। किसकी बीमारी है बताओ? केला के। किसकी है? केला के। चले आगे, तो ये हो गए दोस्त आपका कंप्लीट, क्या आज की क्लास रूट स्टॉक पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त। एक रिवीजन करा दो जल्दी जल्दी, कल हम सबसे अच्छा टॉपिक आपके लिए शुरू करेंगे, कल दो टॉपिक कंप्लीट करूंगा जानते हो, बहुत अच्छा। एक तो पढ़ाएंगे सेक्स फॉर्म, आज दो चार लड़के का कमेंट भी आया कि सर ये मेरा छूटा हुआ है, और दूसरा एक टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा पोलिनेशन, क्या नाम है बताओ? पोलिनेशन। पोलिनेशन को हम बोलते हैं परागण, जिन बच्चों को छूटा हुआ है ये आखिरी मौका है, और इसको हम बोलते हैं लिंग रूप। दोनों बहुत शानदार टॉपिक है, कहां हवा के द्वारा होता है एक ही बार पढ़ लेंगे, कहां पानी के द्वारा होता है एक ही बार पढ़ेंगे, कीटों के द्वारा क्या होता है एक बार पढ़ेंगे, मोनोसियस क्या होता है, डायोसियस क्या होता है, एंडोमोनोसियस क्या होते हैं, ट्राइमोनोसियस क्या होता है, इन शब्दों में जो कंफ्यूजन अपने को है पूरी तरह से वो खत्म हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा अगर ये दोनों चैप्टर अपने कंप्लीट किए तो। क्या पढ़ेंगे बताओ? सेक्स फॉर्म, और कौन है? पोलिनेशन, जिसे हम बोलते हैं परागण। क्या बोलेंगे? परागण। जब तक ये नहीं पढ़ोगे ना फिर तुझे आनंद नहीं आएगा, डायोसियस क्या है, मोनोसियस क्या है, ठीक है? तो अब आप पानी उनी पी ले, अंकित सर आएंगे 10-5 मिनट के बाद, तो तेरे क्लास को क्या करेंगे? शुरू। कि 2-4-5 मिनट कुछ और पढ़ा दूं? पढ़ा देता हूं, नहीं तो तुम बाहर ऐसे ही घूमोगे। कोई एक छोटा टॉपिक ले लेता हूं, क्या छूटा हुआ है?
लेरिंग छूटा हुआ है। अच्छा ये भी छूटा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सही है, प्रोपगेशन का छोटा सा भाग छूटा हुआ है, वो करवा देता हूं आपको। उसके पहले अदर मेथड छूटा हुआ है, थोड़ा सा ये भी देख लो, प्रोपगेशन, बच्चे आजकल कितना अच्छे हैं देखो। सर लेयरिंग छूटा हुआ है, सर लेयरिंग, हाँ लेयरिंग, रे ले भाई लेयरिंग ले, बाकी तो जो पढ़ाया हूं सब कंठस्थ है एकदम, है ना याद? ठीक है, यस सर। अगला है क्या, रनर्स, क्या है? अदर मेथड का मतलब देखो, प्रवर्धन के मैंने दो विधियां पढ़ाया था, एक का नाम है सेक्सुअल, दूसरे का नाम है ए सेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब नर और मादा दोनों होते थे, ए सेक्सुअल में केवल एक जनक होगा, एक ही जनक होगा ना, एक चीज उसमें आप सुधार कर देना, उसके कारण हमें पूरी वीडियो डिलीट करना पड़ा, जानते हो क्या, करवा देता हूं। देखो ये ना, हम राजस्थान के जो गाइड है ना उससे परेशान हो रहे, ये आ जाओ। मैंने पढ़ाया था ए सेक्सुअल, सॉरी पहला क्या लिखा था, सेक्सुअल, पहले क्या लिखा, सेक्सुअल, दूसरा क्या लिखा था, ए सेक्सुअल। इसमें सेक्सुअल का मतलब मैंने बोला था दो लिंग की जरूरत पड़ेगा, इसमें एक ही पेरेंट्स होंगे, होंगे ना। मैं कहां गलत कर रहा था कि रसिस्टेंट, यानी कि रसिस्टेंट का मतलब प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होंगे किसके लिए, बायोटिक और ए बायोटिक, बायोटिक प्लस ए बायोटिक, ये अपने बुक में भी सही दिया हूं, पर जानते हो मैंने किसी रिसर्च में पढ़ लिया था इधर, और लेकिन वो रिसर्च पेपर कैसे छाप दिया वो मेरे गलत हो जाते। अब क्या है, ये जो जंगली होते हैं ना, सेक्सुअल का मतलब देखा होगा, जो गुठली से लगाते हैं, देखो ये आम है, ये किससे लगा रहे हो बताओ, गुठली, गांव में सब सारे ऐसे ही बीज लगाते हैं ना, कैसे लगाते हैं, गुठली लगाया और 8 साल 10 साल के बाद इसमें क्या लगेंगे, आम, और इसमें फल लगेगा, लगेगा या नहीं, 10 साल के बाद इसका फल लगेंगे। और इधर जो है नर्सरी में गए, कहाँ गए बताओ, नर्सरी में, कितना रुपया दिया नर्सरी वाले को, 150 से लेकर 200 रुपया दिए, ये आपको एक पेड़ दिया, और ये प्लांट 1 से 1.5 साल में, कितने साल में, 1 से 1.5 साल में आपको दे देगा फलन, क्या दे दिया, फलन दे देते हैं या नहीं, नींबू लाओ 1 साल में, आम लाओ 1 साल में, माल ले जाओ 1 साल में, 1 साल में, 1 साल में। अब बोला कि बीमारी किसमें ज्यादा लगते हैं बताओ, इधर में, अब सही कर लेना, बीमारी ज्यादा किधर लगते हैं, इधर, और ये वाले क्या होते हैं, प्रतिरोध, ये क्या होते हैं, देखा होगा गुठली वाले आम, बीजू वाले एकदम झूलते रहते हैं, कोई नदी किनारे है, कोई कहाँ है, कोई देखने वाला उसको नहीं, बेचारा मस्त खड़ा रहता है, कीड़े उड़े आते हैं, बीमारी उमारे, बोलता है मेरे में क्या है रे, क्या ले जाओगे, ऐसा आया था, खाली हाथ, खाली हाथ ही मैं हूं पड़ा हुआ, ना तो मुझे कोई खाद देता है, ना बीज देता है, ना डीएपी देता है, ना यूरिया देता है, क्या हम में है, क्या लोगे, जा उधर देख ले, 200 रुपये हम खरीद कर लाया है, नाला बनाया है, उसमें आजकल पानी उनी दे रहा है, उधर बीमारी लग, तो बीमारी लगते हैं ज्यादा नर्सरी में, कहाँ लगते हैं, ये जो खरीद के लाओगे ना इसमें ज्यादा बीमारी अटैक करेंगे, ये आप सही कर लेना एक। अब हम बात करते हैं छोटी छोटी पॉइंट, जल्दी जल्दी आ जाओ, ये क्या है, रनर्स, क्या है, कभी आपने स्ट्रॉबेरी को देखे हो, ये स्ट्रॉबेरी खूब पसंद है आप लोगों को, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी आप देख लो, बास बड़ा खाई हो, इसको कुछ खाई हो, क्या खाई हो, आम खाई हो, सेब खाई हो, नाशपाती, आडू, आडू, आलू बुखारा, अंगूर, लीची, लीची खाई हो, वाह कहाँ, गांव में, गांव में तो मिलते ही नहीं, बाजार में, बाजार में बस वाला लीची है, हाँ है, कैसा होता है, सफेद रंग का, सफेद रंग के, कैसा होता है लीची, सफेद सफेद, हैं खाया नहीं हो, इधर फोटो ही दिखाया हूं, दो चार बार तो देखे हो, हाँ ये बोलना डायरेक्ट, ईमानदार होना चाहिए, एकदम ईमानदार होना चाहिए, झूठ छल कपट लोग मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल ईमानदार, नहीं तो नहीं, ये क्या है बताओ, स्ट्रॉबेरी, अगर बोल देती कि मैं खाया हूं तो पूछ लेता ये टेस्ट कैसे लगते हैं, फिर दिक्कत में आ जाओगे, तो ये खाए हो सब लोग, खाए हो सारे लोग, नहीं, देख अब कितना ईमानदार बच्चे बन गए, नहीं खाया, खिलाऊंगा एक दिन सबको फल खिलाऊंगा, एक ही फल के छोटे छोटे भाग करेंगे, और उसको निडल जो होता है, निडल देखे हो, लैबुक में होता है ना निडल, वो उससे आपके जीभा पे ऐसे टच करा,
टेस्ट कर लेना, आगे आ जाओ। अब हम बात देखो तो स्ट्रॉबेरी ऐसे चलते हैं बेटा, रन होते हुए, ऐसे रन होते हुए, इसीलिए इसका नाम क्या याद रख लेना, रनर्स। स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं बताओ, रनर्स। किसके द्वारा करेंगे, कैसा चलता है स्ट्रॉबेरी बताओ, इस तरह से, ऐसे 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 चलते हैं, चलते हैं ना, और यहां से देखो ये निकल रहे हैं स्ट्रॉबेरी, है ना। तो इसको क्या बोलोगे आज के बाद, रनर्स। आगे चलो, इमेज भी देखते जाओगे तो अच्छा है। ये आ जाओ, क्या है, सकर्स। क्या है ये, सकर। ये छोटकिनिया केला है इसका, क्या है ये, छोटकिनिया। ये वाले छोटकिनिया, ये वाले क्या है, छोटकिनिया। तो आ जाओ, ये केला, इसके नीचे ये छोटकी केला निकला है, निकला है ना। तो ये वाले भाग, इसके जमीन के नीचे वाले भाग जानते हो क्या कहलाता है, राइजोम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर वाला ये तना क्या सत्य तना है, नहीं, ये कैसा है, आभासी तना। कैसा तना है, और इसके जमीन के नीचे जो भाग है उसको क्या बोलोगे, राइजोम। जानते हो इसी राइजोम से, इसी राइजोम से छोटकिनिया ये वाले प्लांट बनते हैं यंग। तो इस राइजोम से बनता है जानते हो सकर्स, और ये सकर्स बड़ा हो जाते हैं, ये सकर्स बड़ा हो जाएगा तलवार के जैसा बन जाता है बड़ा, इसको बोलते हैं शॉर्ट सकर, शॉर्ट सकर, शॉर्ट सकर्स। क्या है, शॉर्ट सकर, SWORD। कौन सा सकर्स है बताओ, शॉर्ट सकर्स, जिसका वजन होता है जानते हो कितना, 500 से लेकर 750 ग्राम। कितना होता है, 500 से लेकर 750 ग्राम। फिर से बोलो, सबसे नीचे क्या है, राइजोम, इससे क्या बना, सकर्स, इससे क्या बना, शॉर्ट सकर, और ऑप्शन होता सभी तो क्या टिक करते भाई, केला में प्रवर्धन किसके द्वारा करेंगे, सभी, लेकिन ऑप्शन होता राइजोम, उसके बाद होता सकर्स, उसके बाद होता शॉर्ट सकर्स। कौन सा सकर है, शॉर्ट सकर, और अगला एक और दे देता हूं बल्ब, चार ऑप्शन ऐसा आता, और ये है शॉर्ट सकर्स, तो कौन टिक करते, शॉर्ट सकर। कैसे गुरुजी, शॉर्ट सकर्स क्यों करेंगे, तो देखो अब क्या है, इसको अगली पीढ़ी में जाकर के फल देना है, क्या देना है, फल देना है। तो एक तो बच्चा है, सबसे छोटकिनिया बच्चा कौन है, राइजोम, उससे बड़ा अभी पांचवी क्लास में कौन पढ़ रहा है, सकर्स, और अभी जे टूट्स करके सुपरवाइजर तैयारी कौन कर रहा है, शॉर्ट सकर्स। तो एक लड़की प्रवर्धन का मतलब होता है अपनी संतान की उत्पत्ति करना, माने अपनी जनरेशन बढ़ाना। अब तेरे को शादी करना है तो शादी करने के लिए तीन ऑप्शन दिया हूं, एक पहली क्लास की लड़की है, छठी क्लास की है, जेट पास की हुई है, तो किसके साथ करोगे, पहली वाले के साथ तो करोगे ना, तो प्रवर्धन किसके साथ होगा, शॉर्ट सकर। जल्दी से किसके साथ प्रवर्धन होगा, प्रोपगेशन, शॉर्ट सकर। तो इसका वजन कितना होता है, 500 से लेकर 750 ग्राम। कितना होता है, 500 से लेकर 750 ग्राम। अब कि कभी भूलोगे, देखो इमेज दिखा दिया, दिखा दिया या नहीं, अब आ जाओ जल्दी, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको आज क्लियर कर देते हैं अपन लोग। स्टोलन क्या है बताओ, स्टोलन बना दो, स्टोलन, लड़के परेशान हो जाते हैं, ये दूब घास है, देखे हो कभी दूब घास, ले ऐसे ऐसे घास बना दिया, ये दूब घास, घास है, ये घास में आपने देखा होगा, एकदम दिमाग बना लो, ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसे जा रहे हैं, सही है। यहां पे देखो क्या है, स्टोलन, क्या नाम है इसका, स्टोलन। यहां भी देखो घास से इसमें क्या है, स्टोलन। ये वाले क्या दिख रहे हैं, स्टोलन, सब दिख गया। तो ये ग्रासेज में जो होते हैं आगे वाले भाग, ये कहलाता है STOLON, स्टोलन। क्या कहलाता है, स्टोलन। कभी कभी देखा होगा ये राइजोम, क्या लिखा हुआ है। तो अब ना लड़के कंफ्यूज कैसे होते हैं, राइजोम से ही बनेगा क्या बताओ, सकर्स। क्या बनेगा, सकर्स। अब बेचारे दिक्कत क्या आ गया, सकर्स भी है और स्टोलन भी है, दूब घास में, इनमें तो क्या टिक करेंगे, दोनों सही है, लेकिन टिक क्या करना है बताओ, स्टोलन। क्या करेंगे, स्टोलन। देखो ये लिखा है ना, स्टोलन, तो ये आप सही करना। अगला आ जाओ, ट्यूबर। ट्यूबर जानते हो किसमें यूज करेंगे, आलू। इसको क्या दिखाऊं, ये सब जानता है। ऐसे वाले भाग जो होते हैं इसको बोलते हैं राइजोम। क्या बोलोगे, क्या क्या है राइजोम में बताओ, ये किसका भाग है, हल्दी का, और ये क्या है, अदरक। अच्छा बताओ, प्याज देखे हो कभी,
प्याज ऐसा होता है या नहीं? ये इसका बल्ब बना दिया ऐसा ऐसा, ये क्या बना दिया बताओ? बल्ब। तो ये प्याज है, इसका नीचे के यहां भाग बना दिया ये थोड़ी थोड़ी सी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो बल्ब है, क्या है ये? बल्ब। और नहीं तो आगे होगा तो दिखा देता हूं तुझे, थोड़ा सा एक बार दिखा दूं, ये बल्ब है, देख लिया ये क्या है? बल्ब। अब आ जाओ बल्ब, ये क्या है? ये कॉर्म, अभी आया था तेरे एग्जाम में, ग्लेडियोलस। हल्दी नहीं है, अरबी नहीं है, कॉर्म है। क्या है? कॉर्म। ये वाले भी क्या है? कॉर्म। ये क्या है? कॉर्म है। सबके बारे में अभी बात करेंगे अपन। अभी किसकी चर्चा कर रहे हैं? राइजोम। किसकी बात कर रहे हैं? राइजोम। अब आ जाओ, अब राइजोम और बल्ब में बेसिक अंतर बता दो क्या है, या अभी आपने देखा ये कॉर्म, तो कॉर्म में क्या अंतर है गुरुजी? राइजोम जो है ना, देखो ये चपटा ऐसे अंगली के जैसा ऐसे, देख हल्दी ऐसा होता है, हल्दी अदरक ऐसे होते हैं, देखे आऊं, अरे ऐसे कैसे बनाऊं, बन गया हल्दी, ये आ गया हल्दी है। ये जमीन के ऐसे चिपक करके चलते हैं, चपक करके, यानी इसकी गति होगा क्षैतिज। कैसी गति है बताओ? कैसी गति है बताओ? ये दोनों ग्रोथ कैसा करेगा? जमीन के चिपक चिपक के, और ये ऊपर जाते हैं, इसकी ग्रोथ होती है वर्टिकल। कैसी ग्रोथ है बताओ? तो और दोनों जो है, चाहे आपको आज के बाद कॉर्म बोले, आज के बाद ट्यूबर बोले, आज के बाद बल्ब बोले, आज के बाद राइजोम बोले, ये सब रूपांतरण किसका है? तना का। किसका रूपांतरण है? किससे बना हुआ है बताओ? तना से। किससे बना हुआ है? तना से। किसका रूपांतरण है? तना का। अब आ जाओ, ये क्या है भाई साहब? कॉर्म। क्या है? कॉर्म। कॉर्म देख लिया आपने, एक फूल मैंने बताया था ग्लेडियोलस, ऐसा ऐसा इतना बड़ा, 1 मीटर का होता है स्पाइक इसका, ये ग्लेडियोलस है। उसका प्रोपगेशन करते हैं किससे? कॉर्म से। किससे करते हैं? कॉर्म। इसकी वृद्धि भी कैसी हो रही है? ऊपर की ओर। ऊपर वाले क्या कहलाएगा? वर्टिकल। क्या कहलाएगा? वर्टिकल। अगला जो प्रश्न है, ये क्या है? बल्ब। क्या है ये? बल्ब। और ये वाले भाग आपको दिख रहा है, ये है रूट। क्या है ये? रूट। समझ में आ गया? तो ये जो बल्ब है, एक्चुअल में ये बल्ब है क्या? तो ये है स्टेम। क्या है बताओ? स्टेम। कभी भी आपको पूछा जाए, बल्ब वाले में एक पत्ती पाई जाती है, देखियो लहसुन प्याज को, इसको ऐसे रगड़ दो और फूंक मारना तो उड़ने लगते हैं वो पत्ती, वो पत्ती कहलाती है स्केली लीफ। कौन सा लीफ है बताओ? अगर कोई बल्बस क्रॉप होगा पहचानने का तरीका, तो उसके बल्ब को ऐसे रगड़ के फूंक मार दोगे, ऐसी पत्ती उड़ जाए, तो समझ जाना वो बल्ब है। क्या है वो? बल्ब। तो ये तो कहलाता है BULB, बल्ब। बल्ब ऐसे, बल्ब। क्या है ये? बल्ब। और ये कहलाता है क्लोब। क्या है ये बताओ? क्लोब। ये क्या है? क्लोब। तो खेत में किससे बुआई करते हैं बताओ? इससे। ये नहीं बोते हैं, ये बोते हैं। क्या है ये? क्लोब। एक लहसन क्या कहलाएगा? क्लोब। क्या कहलाएगा? क्लोब। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट, इसका नाम है क्राउन। क्या है? क्राउन। आपने पाइनएप्पल देखा है, ये पाइनएप्पल, ये वाले भाग कहलाता है क्राउन। क्या कहलाता है? इसकी छोटी छोटी इधर भाग जो आप दिख रहे होंगे, इसके नीचे दिख नहीं रहा है, ये कहलाता है स्लिप। क्या कहलाता है? और इसमें बहुत सारे फल आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? इसको छूता था खुरदरा लगेगा, फल प्रकार कहलाएगा सोरोसिस। क्या कहलाएगा? तो बताओ इसका प्रोपगेशन किसके द्वारा करेंगे? या तो करेंगे क्राउन के द्वारा, और इससे छोटका भाग जो है उसे बोलते हैं स्लिप। क्या बोलते हो? और स्लिप का वजन होगा 300 ग्राम। कितने होते हैं? आगे बात चले। अगला देखो, ये कितना अच्छा इमेज है आपको दिखा रहा हूं मैं, ये क्राउन है भाई, और ये है मेरा स्लिप, नीचे है ना ये स्लिप। इसका वजन कितना ग्राम मैंने बोला? 300 ग्राम। तो ये और ये दोनों ऑप्शन हो तो कौन टिक करेंगे? चले आगे। अंतभूअस्तारी की बात करें, ये खजूर, ये छोटकिनिया खजूर, देखे हो ऐसा, खजूर के नीचे छोटकिनिया खजूर। तो छोटकिनिया बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसे बोलते हैं ऑफशूट। क्या बोलते हैं बताओ? लिखा हुआ है, क्या है? ऑफशूट। जिसका वजन कितना होता है? 12 से 15 केजी।
एग्जैक्ट पूछा जाए तो कितने केजी? 13। आप तो ये याद रख लेना, ऑफ सूट का वजन कितना होता है? ऑफ सूट का वजन कितना होता है बताओ? तो वो होता है 12 से 15 केजी। अगला प्रश्न खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है? ये हो गए कंप्लीट। चले, थका दियो राजेश सर, अब बंद करो भाई। लेयरिंग अभी भी बचा रह गया तेरा? अब मेरे में ताकत नहीं रे, सुबह से खाया हुआ नहीं हूं मैं कुछ। चले ऑनलाइन वाले भाई साहब कुछ बताओ, दिक्कत हो तो क्या लिख रहे हो? 6 केजी से कम नहीं होना चाहिए ऑफ सूट का वेट। राधिका, हाँ बिल्कुल सही है राधिका। कुछ आया समझ में? क्या आया समझ में बताओ? घास का प्रवर्धन किसके द्वारा करेंगे बताना? स्टोलन के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे? स्टोलन। हल्दी अदरक में किसके द्वारा प्रोपगेशन करते हैं बताओ? क्या ग्लेडुएलस में? कॉर्म के द्वारा। ग्लेडुएलस में किसके द्वारा? कॉर्म के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको छोटी मोटी चीजें क्या होनी चाहिए ध्यान। अच्छा बताओ ये लास्ट, पाइन एप्पल में क्राउन और कौन था? स्लिप। क्राउन और स्लिप। हल्दी में राइजोम। प्याज में बल्ब। प्याज में बल्ब। बताओ नींबू का सर्वोत्तम मूल वृंद कौन है? रंगपुर लाइम। किन्नों के साथ किसका उपयोग किए थे? रफ लेमन। किसका उपयोग किए थे? रफ लेमन। अच्छा खिरनी किसका रूट स्टॉक है? चीकू का। किसका है? चीकू का। पूसा सृजन किसका रूट स्टॉक है भाई? पूसा सृजन। पूसा सृजन अमरूद का। किसका है? अमरूद का। अच्छा बताओ एन यूप्लॉयड 82 किसका रूट स्टॉक है? एन यूप्लॉयड 82। अभी तो बोला था पूसा सृजन का ही नाम है। क्या नाम है? एन यूप्लॉयड 82। याद आया कुछ? टेम्पल किसका रूट स्टॉक है? टेम्पल। टेम्पल अंगूर का। टेम्पल। सॉल्ट क्रिक किसका है? अंगूर का। सॉल्ट क्रिक किसका है? अच्छा बताओ किसी भी मूल वृंद को बनाने के लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा? बीजों का। किसका? जब तक बीज नहीं है तब तक मूल वृंद हम नहीं बना सकते हैं। सही है। आम का 3 रूट स्टॉक का नाम बताओ जो लवण के प्रति प्रतिरोध है? न म क। नमक। याद आया? न से कौन है? नेकरे। म से मुबंधन। क से कुरुकुन। क से कौन है? कुरुकुन। अच्छा विलाई कुलम्बन किसका रूट स्टॉक था? आम का। जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 80। गुणसूत्र कितने थे? 80। अच्छा एक ऐसा रूट स्टॉक का नाम बताओ आम में जो बहुभुर्णता पाई जाती है और बौना होता है। बौना। ओलोर। कौन है? ओलोर। लिखा हुआ है ना ओलोर। क्या है? बौना। और कौन मैंने बताया था? बिलाई कुलम्बन। क्या बताया? बिलाई कुलम्बन। और खिरनी बता दिया किसका है? चीकू का। तो इतनी कहानी आज हमने किया। ये सारे पॉइंट आपके बुक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उसको चाहो तो तुम कॉपी पे लिख सकते हो, नहीं चाहो तो उसी में लिखते जाना। ठीक है, समय की बचत करें अभी। ठीक है, कल